गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई टीच यू क्लास सिक्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। आपको बोलता है कि जो नीचे फ्रैक्शन दिए गए हैं उनकी कंपेयरिंग करिए, तुलना कीजिए और एप्रोप्रिएट साइन का उपयोग कीजिए। एप्रोप्रिएट साइन जैसे आपका लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, इस साइन का यूज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ए नंबर पे आपको दिया है 3/6, 5/6। अब आप इनमें ये देख रहे होंगे थ्री अपान सिक्स फाइव अपान सिक्स में ये दिख रहा होगा कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है ये सेम है। क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम देखते हैं कि ये दोनों जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है 3/6, 5/6 और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उस ओर देखते हैं जिधर नंबर क्या होता है, ग्रेटर रहता है। तो आप 3 में और 5 में कंपेरिजन करेंगे तो देखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 3, तो आप 5 की ओर साइन लगा देंगे। तो 3/6 < 5/6। बी नंबर पे आपका इसी में दिया होगा, देखेंगे 1/7, 1/4। अब सॉल्व बी देखेंगे, इसमें जस्ट अपोजिट होगा। अब देखेंगे इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है। क्या है, इन दोनों का जब न्यूमरेटर सेम है तो हम ये देखते हैं कि किधर का जो डिनोमिनेटर है जो है वो कम है। जब दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिधर कम न्यूमरेटर होगा वही वाला नंबर आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे 1/7, 1/4 लिखा है तो 1/4 जो है 1/7 से ग्रेटर है। आप अगर इसको कंपेरिजन करेंगे, अगर आप 1/4 को तो आप 4 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, 4 और यहाँ 7 आया, यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 4 और 4 इज लेस देन 7, तो 1/4 इज ग्रेटर देन 7। सी नंबर पे इसमें देखेंगे, सी नंबर पे क्वेश्चन क्या मिलेगा, 4/5 / 5/5। ये तो बहुत ही चीज है, सॉल्व सी देखेंगे तो इसमें लिखेंगे सॉल्व, कौन सा सी है, सेकंड सी है, तो आप लिखेंगे सेकंड का सी नंबर। तो 4/5 and 5/5, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 5/5। डी नंबर पे क्या है आपका, 3/5, 3/7। तो सॉल्व डी में आपका क्या होगा, 3/5 और यहाँ पे 3/7। हम दोनों को देखेंगे न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिधर का डिनोमिनेटर आपका कम होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप आप यहाँ देखेंगे 3/7 = 21, 5 = 15, तो ये 3/5 = 3/7। इस तरह हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के यानी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर इसमें आपको बोला है मेक 5 मोर मच पेयर एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। आप इसमें 5 पेयर और बनाइए और साइन को क्या करिए, पुट कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखेंगे, थर्ड है, लुक एट द फिगर एंड राइट। इसमें फिगर बना होगा, हर नंबर पे क्या है, लुक एट द फिगर, एट द फिगर, फिगर को देखिए एंड राइट। लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल बिटवीन द गिवन पेयर फ्रैक्शन,
बिटवीन द गिवन पेयर फ्रैक्शन. फिर इसमें आप देखेंगे 0.01 ऐसे बॉक्स बना होगा, उस पर लिखा पहले बॉक्स में यहां पे लिखा 0/1 और इस पे लिखा 1/1. अब इसमें आपको साइन लगाना है तो आप देखेंगे कौन किधर आपका बड़ा है. 0/1 और 1/1 में आप देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो आपको दिख रहा होगा 1/1 इज ग्रेटर देन 0/1. ए नंबर में था ये, फिर ये किस कौन सा नंबर था, ए नंबर. बी नंबर पे आपका फिर से इसी तरह फिंगर बना होगा, फिर से ऐसे बना है. यहाँ पे लिखा है आपका आपका 0/2, 1/2 और 2/2 ऐसे लिखा होगा. इनमें आप देखेंगे 2/2 इज ग्रेटर देन 0/2, 1/2. सी नंबर पे देखेंगे तो आपको बॉक्स बना इसी तरह बना होगा, उस पर क्या लिखा होगा, अभी 3 वाला होगा, 0/4 से स्टार्ट है. क्या है पहले लिखा है 0/3, 1/3 2/3 3/3 0/3 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 2/3 इज ग्रेटर देन 3/3. इस तरह ये क्या हुआ, सॉल्व हुआ. फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप इसके बाद डी नंबर पे देखेंगे. डी नंबर पे आपको क्या लिखा है, डी नंबर पे लिखा है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 इज ग्रेटर देन 0/4, 2/4 इज ग्रेटर देन 1/4, 3/4 इज ग्रेटर देन 2/4 और 4/4 इज ग्रेटर देन 3/4. अब 5 वाला है, सभी जगह इसमें क्या लिखा होगा, 5 लिखा होगा. की नंबर यहाँ पे 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. तो ये 0/5 से 1/5 इज ग्रेटर देन, 2/5 इज ग्रेटर देन, 3/5 इज ग्रेटर देन, 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5, 5/5 इज ग्रेटर देन 4/5. अब ये 6 वाला है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, जीरो अपान सिक्स, वन अपान सिक्स, टू अपान सिक्स, थ्री अपान सिक्स, फोर अपान सिक्स, फाइव अपान सिक्स, सिक्स अपान सिक्स. अब 1/6 इज ग्रेटर देन 0/6, 2/6 इज ग्रेटर देन 1/6, 3/6 इज ग्रेटर देन 2/6, 4/6 इज ग्रेटर देन 3/6, 5/6 इज ग्रेटर देन 4/6 और 6/6 इज ग्रेटर देन 5/6. इस तरह ही हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ. फिर इसके बाद आप देखेंगे ये थर्ड नंबर का ए बी सी डी एफ नंबर का. अब हम इनका क्या करते हैं, इसके ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चंस और अलग से दिए गए हैं, इनका सॉल्यूशन करना है.
और यहाँ पे हमें अनलाइक फ्रैक्शन हम मिलेंगे। देखिएगा क्या मिलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे ए नंबर पे क्या मिला 1/6 एंड 1/3, ये अनलाइक फ्रैक्शन है दोनों। अब हमको इनको इक्विलेटरल फ्रैक्शन बनाएंगे, और लाइक मतलब इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखिएगा सॉल्वेशन, 1/6 बॉक्स बनाया 1/3। अब यहाँ पे जो 1/6 है 1/3 है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमें क्या मिलता है 6 मिलता है। लेकिन मैं 1/6 है तो इसको आप 1/6 ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1/6 इक्वल टू 1/6। लेकिन 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 को जब इक्विलेटरल्स बनाएंगे तो ये 1/6 है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 6 × 1, 1 × 1 6 × 1 6, और 1/3 है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल बनेगा डिनोमिनेटर 1 × 2 3 × 2, 2 × 2 3 × 2 6, 2/6 आ गया। अब इसके 1/6 की जगह पे आप 1/6 लिख दीजिए, 1/3 की जगह पे आप क्या लिख दीजिए 2/6 लिख दीजिए। अब इन दोनों को देखिए कौन सा आपका बड़ा है, तो आप देखेंगे 2/6 इज ग्रेटर देन 1/3, और ये हमारा क्या हुआ आंसर। इस तरह हम इनकी क्वेश्चन को करेंगे। फिर 3/4 2/6 है, इसको भी आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड नंबर में 2/3 2/4, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये क्या हो गया कि एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।